बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमको समझाने का प्रयास किया। मैं दो तीन चीजें और बताऊं जो सर से रह गई, क्योंकि एक आदमी बताता है तो प्रोफेशनल होता है और ये सर जो है ना हमारे लिए प्रोफेशनल भी है और व्यवसाय भी है। दो तीन चीजें और बताऊं मैं, इस कंपनी के जो टोटल मार्जिन होगा उसमें 20% मार्जिन हमारे गाँव पंचायत को डेवलप करने में हम लोगों के माध्यम से लगेगा। और 20% मार्जिन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो बहुत बड़ी हैंडसम अमाउंट बनती है, बहुत बड़ी पूंजी बनती है। हम उससे अपने गांव के विकास के लिए, अपने विकास के लिए, हम चाहे तो उसमें बैंक भी खोल सकते हैं, हम चाहे तो उसमें पशु डेवलपमेंट की योजना भी कर सकते हैं। हम अपने गांव की साफ सफाई तो होगी होगी, साथ में रोजमर्रा की चीजें हमारी बहुत अच्छी बेहतर हम कर सकते हैं। जैसे हम एजुकेशन की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें और अपने गांव के किसी भी प्रकार की निर्धन और कमजोर लोगों की मदद कर सकते हैं मानव कल्याण के लिए, जहां पर भी आपको जरूरत पड़ेगी। और कंपनी तो ये यहां तक कहते हैं, हमारे बॉस तो यहां तक कहते हैं, जैसे विजयवर्गीय सर ने बताया कि आप 20% की सीमा भी लांघ के अगर सही इंसानियत से किसी की मदद करोगे तो कंपनी उसमें हेल्प करने के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहेगी। दूसरी बात हमारी, जैसे हमने पहले सांची का प्रोग्राम स्टार्ट किया था विरासत फेडरेशन का, उन सब में भी धीरे धीरे बहुत सारा सुधार हुआ। मैं आपको बताऊं, कल जैसे आपको छोटी सी बात बताऊं, प्रधानमंत्री जी ने हमारे पूरे राष्ट्र के किसानों को संबोधन किया था, उसमें हमारी विरासत फेडरेशन कंपनी को 6 लाख रुपए उन्होंने ट्रांसफर किए, इसके लिए आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। विदासन कृषि फेडरेशन को भी हमने चालू रखा है, सांची को भी चालू रखना है और इस सौगात को भी चालू रखी है। मेरी आप लोगों से अपील इतनी है कि इस चीज को समझने का प्रयास करें, जो हमारे मूल रूप से व्यवसाय है, जैसे अपन खेती की बात करते हैं, मूंगफली की बात करते हैं। मैं आपको मूंगफली की बात छोटी सी बताऊं कि अब हम 50-55 रुपए के भाव में सौदेबाजी करके घूम रहे हैं। इस कंपनी के मूल ध्येय को समझेंगे जब हमारे को कई, जैसे कहा सर ने कि 500 करोड़ की कंपनी बनेगी, वो कैसे बनेगी मैं छोटी छोटी चीजें आपको बताऊंगा। हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे, हमारी मूंगफली को अगर हम ऑर्गेनिक खेती में तब्दील कर लेते हैं तो यही मूंगफली हम 100 से 200 रुपए किलो के बीच में हमारी मनचाही कीमत पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मनचाही कीमत पर इसके दाम हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ के जैसे सरवना जी की फैक्ट्री में हम लोग उसको वो ग्रेडिंग करके, तेल का काम करके, दूसरी चीजें करके हम जहां चाहे इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि एक आदमी बाहर नहीं बेच सकता, एक आदमी को पता नहीं होता, हम सब जुड़ेंगे तो हमारे पास में संपत्ति भी होगी, हमारे पास में ताकत भी होगी और हमारे पूरे हिंदुस्तान को हम सोने की चिड़िया बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपने देखा होगा, बहुत से लोगों ने बचपन में पढ़ाई की होगी कि हमारा हिंदुस्तान पहले सोने की चिड़िया कैसे हुआ करता था, क्योंकि हम लोग व्यापार के साथ में कृषि को बढ़ावा देते थे और यहाँ से हमारे पूर्वज बड़े लोग घी के रूप में इराक, ईरान और दूसरे अरब ममालिक देशों में जाता था, इसराइल जैसे देशों में जाता था और वहां से आते वक्त हीरे ज्वाहरात और सोना खरीद के लाते थे। वो थोड़ा थोड़ा खरीद करके लाते थे, उससे हम लोग अपने आप में सक्षम हुए थे और जिसको लूट करके विदेशी समय में वो अंग्रेज लोग हमारे से ले गए। फिर भी हम कम नहीं है। मैं एक ही बात कहता हूँ, किसान अगर संगठित हो गए, हम लोग अगर संगठित हो गए तो हमारी अर्थव्यवस्था को हम लोग सुधारने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। परसों का एग्जाम्पल दूं मैं छोटा सा, सर चिड़ावा मेरा फैक्ट्री गाँव है, वहाँ एक जोड़ा था, जैसे अपना ये गऊओं का मेला लगता है, ठाकुर साहब मेला लगवाते थे, वैसे हमारे एक पंडित जी की वो जोड़ी थी, उसमें गांव का मैल डालते थे। कुछ बुद्धिजीवी आप जैसे सब इकट्ठे हुए, उन्होंने सबसे पहले तो एक चीज छोड़ी कि हम चिड़ावा के नागरिक बन के काम करेंगे, जाति वर्ण का भेदभाव हमने नहीं रखा। उस जोड़ी में उन्होंने 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया है, कल के न्यूज़पेपर में था, और पर्सनली किया है। 200 करोड़ रुपए कितने होते हैं, एक आदमी नहीं लगा सकता।
हम सब लोग अगर संगठित होंगे और हम एक साल तक हमारी जो इन्होंने बताया कि एक गांव के प्रतिनिधि की कीमत मंथली आय मिनिमम ये मान के चलिए 3 से 5 लाख रुपए तक इजी गोइंग, इजी गोइंग। अब घर बैठे आदमी को 3 से 5 लाख रुपए तक मिलते हैं और गांव के किसान का भला, हमारे समाज का भला, हमारी डेवलपमेंट की योजनाएं। हम लोग युवा प्रतिनिधियों को क्यों बुलाया है? क्योंकि काम तो हम लोगों को करना, हमारे बड़ों को यहाँ बुला करके सरपंचों को या बुजुर्गों को बुलाएंगे हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, हम अलग अलग वार्ड में बंट जाएंगे। मेरा आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट यही है कि हम जितने भी गांव के युवा शक्ति है, जैसे हमारे मीडिया बंधु गए, जुगल जी को गए, महेश जी को करिए, भोबरिया जी को, हम सब लोग अगर एक होकर एक सूत्र में काम करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करने में हमको बड़ा मजा आएगा। मैं ये कह सकता हूँ रिटर्न में, ऑफिस के काम में, प्रिंटिंग में, हमको जो भी चीज चाहिएगी हम लोग आराम से यहाँ उपलब्ध कराते हैं कि एक से एक बुद्धिमान लोग हमारे साथ में हैं। अब जमीन पे काम करना है तो जमीन पे काम करने के लिए हम सबको ताकत लगानी पड़ेगी और हम थोड़ी थोड़े स्वार्थ को छोड़ करके, स्वार्थ हमारा होना है। घर में आय होगी तो दादा आराम से सुख से सोएगा और घर में अगर नुकसान है तो दादे को भी नींद नहीं आएगी, पोते को भी नींद नहीं आएगी। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि हम लोग सब इस मुहिम से जुड़े। मैं पिछले 2 साल से इससे जुड़ा हुआ हूँ, इसमें काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा एक ही ध्येय मैंने रखा लाइफ का कि हमारे गांव का विकास कैसे हो। पहले एजुकेशन में काम किया, अब हमारे साथी लोग, हमारे बच्चे सब लोग देखने लग गए इस काम को। दूसरा स्टेप हमने कोरोना में देखा कि दुनिया पीड़ित है, हम लोग कैसे सुखी हों, हम गांव का विकास कैसे करें। मोदी जी की जो FPO की स्कीम थी उसको समझने का प्रयास का किया, उसमें सीखने के तत्व उपरांत आज हम हमारी मातृभूमि पर जितने पेस्टिसाइड जो केमिकल उपयोग करते हैं, हमारी फैक्ट्री से निकला हुआ अगर हम खाद ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर को हमारी 2-2 बीघा खेती में भी करेंगे, हमारे को अनाज स्वस्थ मिलेगा, मुंह मांगा भाव मिलेगा, चाहे गेहूं बोए चाहे चारा बोए। उसी दूध को हम लोग 20 रुपए किलो गाय का दूध बेचते हैं, 30 रुपए किलो बेचते हैं, घी हम लोग 500-600 रुपए 700 रुपए तक बेचते हैं, वही घी हम लोग 2000 रुपए किलो बेच सकते हैं गाय का, और वही भैंस का घी हम लोग अच्छी कीमत पे बेच सकते हैं। क्योंकि एक तो हमारा ठप्पा लगाया कि हमारी कंपनी का ऑथेंटिक जो बोलेंगे वो माल गुणवत्ता में मिलेगा, हम लोग FSSAI में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, हम लोग सब चीजों में करेंगे। आप लोगों को साथ जुड़ने की जरूरत है। मेरा आप लोगों से विनम्र आग्रह यही रहेगा, इस चीज को, प्लान को समझने का प्रयास करें। कल के प्रोग्राम में आप लोगों ने देखा होगा मोदी जी ने और जितने भी FPO थे, हमारे भरतपुर का भी एक FPO था जो हनी बनाता है, शहद बनाता है, वो शहद वो कह रहा है कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे मेरे शहद को बेचने का प्रयास करूं। हम यहाँ पर हमारे पास में तो असीम शक्तियां हैं, हम लोग क्या क्या बेच सकते हैं, मैं आपको बताऊं। घी हमारे की यहाँ की गाय जो राठी नस्ल की गाय है उसका दूध और दही और घी एक्सीलेंट क्वालिटी का है, हम चाहे जैसे दाम पे बेच सकते हैं। हमारे मूंगफली की पैदावार होती है, इसको चाहे जैसा हम लोग बना करके ऑर्गेनिक के रूप में अपने प्लांटों के द्वारा निर्मित करके हमारे ब्रांड के रूप में हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे उसको उतार सकते हैं। दूसरी बात, हमारे पशुधन को मैंने पढ़ा था विदेशों में एक गाय की कीमत 1 करोड़ रुपए, देसी गाय हम लोगों के यहाँ कीमत कितनी? 30,000 रुपए। कितना अंतर?